दो फोर्थ अप्रैल के बाद 2 बजे टाइम पे एक अनजान लड़का आता है हमारे घर पे। मैंने गेट खोलता हूँ और उससे पूछता हूँ आप कौन हो। वो बताता है मैं आयन कंपनी से आया हूँ मोहाली से। वो उसने बोला कि मैं आपके पापा से मिलने आया हूँ। मैंने बोला कि मेरे पापा तो अभी अभी गए हैं। और उसने बोला कि आपके पापा ने कहा है आप यहाँ पे वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैं अपनी मम्मा से बताता हूँ ये चीज़। तो मेरी मम्मा बोलते हैं मैं अभी आप उसको अंदर बिठा लो, वो आके यहाँ पे बैठते हैं। फिर मेरी मम्मा अपने पापा से बात करवाते हैं कि पापा बोलते हैं मैंने तो किसको बुलाया नहीं। फिर पापा उससे बात करते हैं फोन पे। फिर पापा बोलते हैं कि आप सीधा वहाँ पे, मैं तो यहाँ से निकल चुका हूँ, आप बद्दी आ जाओ। वो बोलता है फिर उसने मेरी मम्मा को पकड़ा लेता है फोन। फिर वो बोलता है मैंने वॉशरूम जाना है। वो वॉशरूम जाता है। मेरी मम्मा यहाँ पे काम कर रहे होते हैं क्योंकि हम दिल्ली से आए होते हैं 2 दिन के बाद। फिर मेरे मम्मा के गले पे चाकू रख लेता है। मम्मा मेरे चिल्लाते हैं तो मैं पीछे से आके उसको घेर देता हूँ। नहीं, पहले उसे चाकू खींच लेता हूँ, फिर उसको पकड़ लेता हूँ। फिर वो दरवाजा बंद कर देता है। फिर जब वो जब जब वो मैं जब फोन करने लगता हूँ तो वो बोलता है सारा कैश दे दे नहीं तो मैं तेरी मम्मा को अभी मार दूंगा। तो मैं उसके आगे आगे बढ़ते बढ़ते उसके पैर पकड़ता हूँ। फिर ऊपर होते होते खींच लेता हूँ चाकू। फिर मैं बोलता हूँ तू चुपचाप निकल जा। फिर मेरे मम्मा बोलते हैं मम्मा ने जल्दी से गेट खोल देते हैं। फिर वो बाहर जाते जाते एक राम विलास है जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है सोसाइटी में, वो उसको पकड़ लेते हैं और मेरा भाई चिल्लाने शुरू हो जाता है। कभी भी डरो मत, बस अपने अंदर से ब्रेवी दिखाओ कि मैं इस घटना में भी ब्रेव हूँ और मैं डर नहीं सकता।